हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की भाजी। इसके लिए मुझे चाहिए ये आलू और मेथी। ये मैंने दो गड्डी मेथी ली, इसको काट लिया है। हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसको मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी चटपटी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने सरसों का तेल गर्म किया हुआ है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी, ये थोड़ा लाल करती हूँ लहसुन को। आप चाहे तो लहसुन नहीं भी डालना चाहे तो नहीं डालें। इसमें लहसुन डालती मैंने डाला है। ये लाल हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च। इसी में आलू डाल के मैं फ्राई करती हूँ। आलू 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने हैं। ये अच्छी तरह भूनने हैं। आलू जल्दी पकता नहीं है और इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी। ये मैंने इसको फ्राई किया हुआ है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसी में मैं मेथी डाल दूंगी। अब मैं नमक डालूंगी। नमक थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि मेथी बैठ जाती है नीचे। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक देती हूँ और गैस को धीमा कर देती हूँ। इसको मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया था। अब मैं इसको देख चला देती हूँ। भाजी हमें बीच बीच में चलाती रहनी है। ये देखिए ये नीचे बैठ गई है और ये पानी भी छोड़ती है, इसलिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फिर ढक दूँगी। ये 5 से 10 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी। इसको धीमी गैस पे ही बनाना है। मैं इसको फिर ढक देती हूँ। ये 5 मिनट हो गए हैं। मैं सब्जी चेक करती हूँ। इसको मैंने बीच में 1 से 2 बार चलाया भी था। अब मैं इसको देखती हूँ, इससे आलू अगर फूटने लग रहा होगा तो ये मेरी सब्जी बन जाएगी। इसके आलू चेक करती हूँ, ये हल्का सा टाइट है अभी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, उसको फिर ढक देती हूँ। अब मैं इसको फिर चला के ढक दूँगी 2 से 3 मिनट तक। आलू अच्छे से पक जाएंगे। गैस धीमी ही रखनी है हमें, नहीं तो ये सब्जी जल्दी जल जाएगी और आलू नहीं पकेंगे। मैं इसको फिर ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट। ये देखिए मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ, 2 से 3 मिनट हो गए हैं।
अच्छे से भुन ली गई है धीमी धीमी गैस पे। अब मैं इसका आलू चेक करती हूँ, ये देखिए अच्छे से भुन गई है। ये फूट गए हैं, देखिए ये अच्छे से फूट रहे हैं, मेरी सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारी मेथी की भाजी तैयार हो गई है। आप इसको पूड़ी पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।